झारखंड के संथाल परगना में महिलाओं के साथ दुष्कर्म हत्या की मानो बाढ़ आ गई है। हर दूसरे दिन एक दर्दनाक घटना मीडिया की सुर्खियां बनता है, लेकिन ऐसा लगता है मानो अपराधियों के आगे प्रशासन ने हथियार डाल दिए हैं। ताजा मामला काठीकुंड थाना के बड़तल्ला गांव का है। मृतका काठीकुंड थाना क्षेत्र के आमगाछी गांव की रहने वाली थी। बड़तल्ला गांव के बाहर एक पेड़ से लटकते शव को देख ग्रामीणों ने शोर मचाया। पुलिस को जब इसकी सूचना मिली तो वो मौके पर पहुंची और शव को बरामद किया। घटना स्थल पर लोगों की काफी भीड़ जमा हो गई। पोखरिया गांव की लड़कियां जब हम छानबीन किए और घटना घटी है बड़तल्ला गांव में, तो हम खुद ही आए हैं अभी सुन के, क्योंकि किसी से पता नहीं चल पा रहा था, सोशल मीडिया में डिटेल्स नहीं था, बहुत इधर उधर से जानकारी करने के बाद हम आए हैं। अभी उनका परिजनों से हम मिले हैं, उनकी माँ है, उनके पिताजी है, उनके तमाम रिश्तेदार लोग यहाँ पर हैं। इन लोग चूँकि ये स्टूडेंट थी, ये पढ़ रही थी, तो छानबीन करने की इसलिए आवश्यकता है कि आखिर किस रूप में क्यों उनको बाहर जाना पड़ा और इस घटना तक क्यों पहुंचना पड़ा, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। पुलिस की माने तो मृतका 10वीं की छात्रा थी, वो आमगाछी की रहने वाली थी, लेकिन कुछ दिन पहले अपने बड़े पिता के घर बड़तल्ला गांव आई थी। शव पूरी तरह से खराब हो चुका है और काफी दुर्गंध भी कर रहा है, जिससे ये पता चलता है कि छात्रा की मौत कई दिन पहले ही हो गई है। हम इतना जरूर कह सकते हैं कि यहाँ पर कानून को बहुत ही सख्त करने की आवश्यकता है, और अगर कानून इसी तरह से लचर पचर रहेगा तो पता नहीं कितना कितना बेटियों को इस तरह का बलि चढ़ना पड़ेगा, ये समझ में नहीं आ रहा है। हम इससे ज़्यादा बहुत कुछ नहीं कह पा रहे हैं कि एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, जो महिलाओं का, जो बेटियों का स्थिति हो रहा है, ये जितना हम लोगों को चिंता हो रहा है या डर समा रहा है, वो शब्दों से हम बयान नहीं कर पाएंगे। अंकिता पेट्रोल हत्याकांड, उसके बाद मारुति की पेट्रोल से जलाकर मार डालने की घटना, फिर एक आदिवासी युवती की बांग्लादेशी द्वारा हत्या, प्रशासन पर गंभीर आरोप लग रहे हैं, लेकिन प्रशासन अपराधियों को गिरफ्तार करने के बजाय आरोप लगाने वालों पर ही कार्रवाई कर रहा है। मारुति की हत्या के बाद शव के साथ प्रदर्शन करने वाली प्रिया दत्त और भाजपा नेत्री सहित कई लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास तक का मामला दर्ज है। आग लगा के राजेश राउत मारी दलो छे, लेकिन वही वास्ते हमें नरा लगा लो छे राजेश राउत के फांसी दे वास्ते, हमें ककरो दबाव में हमें ही वोट जाम न करना चाहिए। दबाव में दलो छे, हमें अपना हिम्मत से वोट जाम करवा लो छे, धक्का मुक्का कर लो महिला लोग के सबके, मैंने धक्का मुक्का कर लो दुमका जिला सोरेन परिवार का क्षेत्र है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि हर घटना के बाद प्रशासन का पहला प्रयास यही रहता है कि किसी तरह मामला रफा दफा हो जाए। अब इसके पीछे प्रशासन की क्या मंशा है, इसे आप समझ सकते हैं। दुमका से समाचार प्लस के लिए ऑगस्टिन हेमरुम की रिपोर्ट।